हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स आईएएस। स्वागत है आपका हमारे नए इनिशिएटिव करंट अफेयर बुस्टर क्लासेस में। फ्रेंड्स, कल के जो क्वेश्चन थे उसका आंसर इस तरह से, अंडमान और म्यांमार के बीच में जो आइलैंड है उसका नाम था कोको आइलैंड और वो किसका है? म्यांमार का है। दूसरा क्वेश्चन था, अंडमान एंड निकोबार की जो हाइएस्ट पीक है उसका नाम है सडल पीक। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेफ कनेक्ट 2019। अब ये डेफ कनेक्ट क्या है? बेसिकली आप साइड में फोटो को देखिए, स्ट्रेंथनिंग डिफेंस थ्रू इनोवेशन। बेसिकली क्या है, डिफेंस का जो इकोसिस्टम है उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, किसके थ्रू? इनोवेशन के थ्रू। सो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैड ऑर्गेनाइज द इनॉगुरल सेशन ऑफ डेफ कनेक्ट 2019 टू शोकेस द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली। अब इसके साथ में ही आईडेक्स पोर्टल एंड डिफेंस इंडिया स्टार्टअप को भी लॉन्च किया गया। अब देखते हैं कि इनोवेशन फॉर डिफेंस इकोसिस्टम क्या है। नाम ही कैसा है, इकोसिस्टम। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इकोसिस्टम को क्रिएट करना डिफेंस के फील्ड में इनोवेशन के थ्रू। तो आईडेक्स क्या है, लॉन्च्ड इन 2018 इज एन इकोसिस्टम टू फॉस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस। याद रखना है, डिफेंस एंड एरोस्पेस के फील्ड में, बाय एंगेजिंग इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू डिलीवर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सॉल्यूशन फॉर मॉडर्नाइजिंग इंडियन मिलिट्री। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिजिनाइजेशन एंड इनोवेशन, मीन्स मेड इन इंडिया होना चाहिए, इंडिया के द्वारा में बना हुआ होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स फंडिंग ग्रांट्स टू MSMEs। बेसिकली फंडिंग प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को, इंडिविजुअल इनोवेटर को, R&D इंस्टीट्यूट्स को एंड एकेडमिया को, जिससे क्या होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या प्रमोट किया जा सके। आईडेक्स इज फंडेड एंड मैनेज्ड बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंडिंग और मैनेज किया जाता है। अभी डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज़ ए नॉट फॉर प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इट इज़ फंडेड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बेसिकली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 9 पब्लिक सेक्टर कंपनीज आती है, उसमें से ये दोनों है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये दोनों कंपनीज जो है, PSUs जो है, वो किस टाइप की है, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, कौन सी कैटेगरी के है। ये भी आपको हिंट देता हूँ कि दोनों की कैटेगरी सेम है। अब ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट प्रोवाइड्स हाई लेवल पॉलिसी गाइडेंस टू आईडेक्स। अब देखते हैं डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज क्या है, एम्ड एट सपोर्टिंग स्टार्टअप्स MSMEs इनोवेटर्स टू क्रिएट प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स का मतलब क्या होता है, कोई बड़े जो चीज़ कर रहे होते हैं उसका जो छोटा सा स्मॉल रूप में होता है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, मॉडल टाइप बोल सकते हैं, एंड और कमर्शियलाइज प्रोडक्ट्स सॉल्यूशन इन द एरिया ऑफ नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी। कमर्शियलाइज भी करना है जिससे क्या है, प्रॉफिट भी अर्न किया जा सके। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन पार्टनरशिप विथ अटल इनोवेशन मिशन। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो किसने लॉन्च किया था, वो प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। अभी आगे सॉल्व करते हैं। द विजन ऑफ द DISC इज टू फोल्ड, प्रोटोटाइपिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। अंडर DISC 3 चैलेंजेस फ्रॉम द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स वर थ्रोन अपॉन टू प्रोस्पेक्टिव स्टार्टअप्स। बेसिकली तीनों फील्ड में क्या लेंगे, इनोवेशन को लाना है। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको याद रखना है अटल इनोवेशन मिशन किसके अंदर है, ये नीति आयोग के अंदर है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सुरंग बावड़ी। अब ये क्या है, सुरंग बावड़ी क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये बीजापुर कर्नाटक में सिचुएटेड है, क्यों न्यूज़ में है। बेसिकली वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट है, उसने इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर कैटेगराइज किया गया है, मेंशन किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट क्या है ये आगे देखेंगे, किस कैटेगरी में, एंशियंट वाटर सिस्टम ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड क्या है वो भी आगे देखते हैं। तो सुरंग बावड़ी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंशियंट करेज सिस्टम। फ्रेंड्स, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि करेज सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ये वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, जो अभी आपको आगे डिस्कस करेंगे। ऑफ सप्लाइंग वाटर थ्रू सब टेरेनियन टनल्स। बेसिकली क्या है,
अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू वाटर को सप्लाई किया जाता है. इट वॉज बिल्ट बाय आदिल शाह ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर. उनके द्वारा इसको क्या किया, स्टेब्लिश किया गया. सो आदिल शाह फर्स्ट ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर के द्वारा इसको बिल्ट किया गया, करेज सिस्टम को. अब बात करते हैं करेज सिस्टम है क्या. करेज इज ए वाटर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी. अभी आपको फ्रेंड्स पता है कि वाटर की जो कंडीशन है वो इंडिया में बहुत ख़राब होती जा रही है. नीति आयोग ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, उसमें बताया था कि 600 मिलियन जो पीपल है उनके क्या है कि घर में पानी उनको नहीं मिल रहा है. मतलब वाटर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. अभी नई मिनिस्ट्री बनाई, जल शक्ति मिनिस्ट्री, तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए. ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भी कि प्रीलिम्स 2019 में भी वाटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया और क्यों पूछा गया उसको भी देखते हैं. सो करेज इज ए वाटर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी इन विच ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस बाय टनल. टनल के द्वारा ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पे लाया जाता है. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई मैकेनिकल पंप या लिफ्ट को यूज नहीं करते हैं. वाटर आता है ओनली ग्रेविटी के द्वारा. अब जब क्या होता है कि मोस्टली अपन याद रखते हैं कि ओनली वाले स्टेटमेंट क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो करेक्ट होगा. ग्रेविटी ओनली ब्रिंग्स द वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड सोर्स. और ये जो सिस्टम है वो बेसिकली कहाँ से आया, पर्सिया मीन्स ईरान से. अब इसमें नाम आया है कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड. देखो ये कन्फ्यूजन कर सकता है आपको, नाम कैसा है, फंड है. बेसिकली ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है. अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना है. तो ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इज़ ए प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1965 बाय इंडिविजुअल कंसर्न अबाउट द एक्सेलरेटिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट आर्टिस्टिक ट्रेजर्स थ्रू द वर्ल्ड. याद रखना आपको हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच. अब ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच क्या है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड जो कि अपना एनजीओ है वो क्या है, एक लिस्ट निकालता है. उस लिस्ट में क्या है कि जब भी कोई अपनी जो एक क्या कहते हैं कि उसकी जो यूनिक चीज़ होती है जब वो डिस्ट्रॉय होने वाली होती है तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसको रीस्टोर करने के लिए फंडिंग के थ्रू ये एक लिस्ट निकालता है. तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच क्या है, द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच इज़ ए बाइनियल सिलेक्शन प्रोग्राम ऑफ एट रिस्क कल्चरल हेरिटेज साइट्स. जो कल्चरल हेरिटेज साइट रिस्क में होती है उनका एक प्रोग्राम है, सिलेक्शन प्रोग्राम है. दैट कंबाइन ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस विद कंटेम्प्रेरी सोशल इम्पैक्ट. इट इज़ ए नॉमिनेशन बेस्ड प्रोग्राम. नॉमिनेट करते हैं, जैसे कि अभी आपका जो सुरंग बावड़ी को नॉमिनेट किया गया है तो सुरंग बावड़ी को रीस्टोर करने के लिए क्या है, फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी. अब ये क्या है, इसको 1995 में उसको लॉन्च किया गया, 13th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड की. और कौन इसको नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेशन तो कोई भी कर सकता है लेकिन फाइनल जो अप्रूवल है वो आपका ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है वो प्रोवाइड करेगा, एनजीओ. तो क्वेश्चन जो आया प्रीलिम्स 2019 में उसको देख लेते हैं. What is common to the places known as Aliyar, Isapur and Kangasabati? Kangasabati. अब देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया बिकॉज ये तीनों जो है ये वाटर रिजर्वॉयर है और ये 2018 में क्या है न्यूज़ में था. इस पर सेप्टेम्बर मंथ में आर्टिकल भी आया था न्यूज़पेपर में. ये इनका जो वाटर जो लेवल था वो एक नॉर्मल कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा कम हो गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए ये पूछा गया. तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपना करेज सिस्टम इम्पोर्टेंट हो जाता है. वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है अंडरग्राउंड टनल के थ्रू. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, गुरु नानक देव. जैसा कि आपको पता है कि गुरु नानक देव जी की 550 बर्थ एनिवर्सरी जिसको प्रकाश पर्व भी बोलते हैं वो भी रिसेंटली मनाई गई. ये जो है वो सिखों के 10वें गुरु थे और फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे, जिनका जो टाइम पीरियड है 1469 से 1539 तक माना जाता है. और ये विश्वास करते थे निर्गुण, निर्गुण मतलब जिसमें क्या है कि फॉर्मलेस डिवाइन. ये फॉर्म जैसे कि ये भगवान का ऐसा रूप है उस पर विश्वास नहीं करते थे. निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं हो उसको ये मानते थे. तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही एडवोकेटेड द निर्गुणा फॉर्म ऑफ भक्ति. इसके बाद में इन्होंने जो सेक्रीफाइसेज, रिचुअल बाथ, इमेज वर्शिप इन सबको रिजेक्ट किया. और उन्होंने क्या कि जो फिफ्थ जो गुरु थे इनके, गुरु अर्जुन देव और इनके बाद के जो फोर गुरु और बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इनकी सारी चीज़ें हैं वो किस में मेंशन है, आदि ग्रंथ साहिब के अंदर. और इनके जो हिम्स है उनको बोलते हैं गुरबानी. फ्रेंड्स एक एक चीज़ को इम्पोर्टेंट नोट करो आप बिकॉज ये न्यूज़ में है. तो इनके हिम्स को बोलते हैं गुरबानी, जो कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में उसको कंपोज किया गया है. इन द लेट 17th सेंचुरी द 10th प्रिसेप्टर गुरु गोविंद सिंह इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर. And this scripture
वॉज कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब. दोनों अलग अलग चीजें हैं, आदि ग्रंथ साहिब एंड गुरु ग्रंथ साहिब. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है अपना करतारपुर कॉरिडोर. जैसा कि आपको अभी पता है कि करतारपुर कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया गया इंडिया की साइड से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और पाकिस्तान की साइड से उनके प्राइम मिनिस्टर ने. अब इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है ये एक रिवर से पास होता है, रावी रिवर. जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है रावी रिवर है, इन दोनों के बीच में पास होती है. ये करतारपुर कॉरिडोर क्या है, दरबार साहिब गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान में है और डेरा बाबा नानक श्राइन जो कि पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उनको कनेक्ट करता है. बेसिकली ये क्या करते हैं, वीज़ा फ्री मूवमेंट ऑफ इंडियन पिलग्रिम्स को ये एक्सेस कराते हैं कि उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो, और वो एक इस गुरुद्वारे में जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं वहाँ से. आइदर पार्टी कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट. ये जो एग्रीमेंट है दोनों गवर्नमेंट के बीच में हुआ वो कोई भी पार्टी उसको टर्मिनेट कर सकती है. यानी कि जो कंडीशन, जिन कंडीशन पे इसको इनॉग्रेट किया गया है अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कोई भी पार्टी इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकती है. अब उसको याद रखना है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, स्वच्छ निर्मल तत् अभियान. अब नाम से कैसा लग रहा है, स्वच्छ मीन्स क्लीनलीनेस से रिलेटेड है. कहाँ पे क्लीन करना है, बेसिकली कोस्टल एरियाज को, कोस्टल एरियाज में क्लीनलीनेस को प्रमोट करना, ये इसका बेसिक पर्पज है. किसके द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया. टू स्ट्राइव टू मेक कोस्टल एरियाज अक्रॉस कंट्री क्लीन एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम. एनवायरनमेंट एजुकेशन डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल कोऑर्डिनेशन फॉर ड्राइव इन 50 बीचेस. आपको याद रखना है MOE, FCCC एंड साइकॉम. स्टेट नोडल एजेंसीज फॉर इको क्लब्स विल फैसिलिटेट द वीक लॉन्ग इंटेंसिव क्लीनलीनेस ड्राइव इन 10 स्टेट्स यूटीज. बेसिकली आपको याद रखना है स्वच्छ निर्मल तत् अभियान ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और कोस्टल एरियाज की क्लीनलीनेस को प्रमोट करता है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, फैक्ट बॉक्स. अब नाम थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये किससे रिलेटेड है, ये मीम्स को आप देख सकते हैं. ये किससे रिलेटेड है, मरी टाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है. तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ये बेसिकली इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है जो सेफ एंड सिक्योर मरी टाइम, कहाँ पे, इंडो और पैसिफिक रीजन में सेफ एंड सिक्योर मनी टाइम को प्रमोट करना इसका काम है. इसको लॉन्च किया गया ईस्ट एशिया समिट में. द इनिशिएटिव एम्स टू अचीव दिस बाय क्रिएटिंग पार्टनरशिप अमंग इंटरेस्टेड स्टेट्स बाय सस्टेनेबली यूजिंग मरीन रिसोर्सेज. और इसके साथ में ये क्या करेगा कि जो संग्रीला डायलॉग है अब उसको क्या करेगा, उसको भी एक तरह से द इनिशिएटिव इज कंसिडर्ड बाय द एक्सपर्ट एज द इंक्रीमेंटल स्टेप तो द संग्रीला डायलॉग, उसको संग्रीला डायलॉग को एक तरह से बूस्ट करेगा. जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड सपोर्टेड द इनिशिएटिव ऑलरेडी एंड मैनी मोर एशियन कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस देयर सपोर्ट टू द इनिशिएटिव इन फ्यूचर. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो, किसी भी तरह से ये हेल्प कर रहा हो और आपकी प्रिपरेशन अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग अलाइन हो रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और उसको सब्सक्राइब जरूर करें. और फ्रेंड्स, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, कल की जो वीडियो बनेगी, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हमने आपके लिए बहुत कुछ नई चीज़ें ऐड की है. अब उसमें क्या नया चीज़ है जो आपको, कल तक का इंतज़ार करिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.